माताओं बहनों, नौजवान साथियों और इस कृषि प्रधान देश के उज्जवल भविष्य के बच्चों, मैं आदरणीय चौधरी देवीलाल जी के और आपके मध्य में हाजिर रह करके वो जो आपको दिशा निर्देश दें और जिस उत्सुकता से लगातार 5 घंटे तक इस कड़कती हुई धूप में आप बैठे हुए हो, मैं बाधक बनना पसंद नहीं करूंगा। मैं भाषण नहीं देना चाहूंगा, बल्कि मैं सर्वप्रथम आदरणीय चौधरी देवीलाल जी का इस बात के लिए धन्यवाद करूंगा कि आखिरकार विपक्ष के सभी लोगों के उस आग्रह को उन्होंने मान करके आज के इस पवित्र दिवस को संघर्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने हामी भरी। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मैं इसके बाद मंच पर विराजमान इन सभी राष्ट्र के महान नेताओं का, जो उज्जवल भारत भविष्य की कामना करते हुए देश को एक दिशा देने जा रहे हैं, और मैं दावे के साथ एक बात कहने जा रहा हूं, वो दिन दूर नहीं जब भारत की मौजूदा राजनीति में परिवर्तन आएगा। आज जो लोग मंच पर विराजमान हैं, वो कल सत्ता पर बन करके बैठेंगे, और जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं और जो इस देश के मेहनत कश लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाल करके इस देश की संपत्ति को विदेशी बैंकों में जो जमा करा रहे हैं, उन आर्थिक अपराधियों को जेल के सींकचों के पीछे भी बंद होना पड़ेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं इन महान नेताओं का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय खर्च करके यहां पर आकर के आप सब लोगों का हौसला बढ़ाया। मैं आभार व्यक्त करूंगा इस समागम के उन सभी आयोजकों का, श्री मुलायम सिंह जी का और दूसरे कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने लगातार परिश्रम करके भारतवर्ष का सही नक्शा हिंदुस्तान की बोट क्लब पर एकत्रित करके आज केरला से, तमिलनाडु से, मध्य प्रदेश से, उड़ीसा से, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, सभी ही प्रदेश के लोग आज लाखों की संख्या में, जिन्होंने इस दिल्ली के ऐतिहासिक बोट क्लब पर एकत्रित करके हम सबका आपस में समन्वय स्थापित किया, देश और प्रदेश के नाम पर अखंडता का नारा देने वाले उस राजीव गांधी के मुंह पर एक करारी चपत मारी, जो देश तोड़ने का काम करता जा रहा है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करूंगा जिन्होंने लगातार 22 दिन तक अनथक परिश्रम करके देश में एक नया नक्शा कायम करने की कोशिश की। और मैं आभार व्यक्त करूंगा जनता दल के उन स्वयं सेवकों का, जिन्हें ग्रीन ब्रिगेड की संज्ञा दी जाती है, जिन्होंने इस सारे आयोजन को पूरी तरह से, अच्छी तरह से अनुशासन में रख करके शांति प्रिय ढंग से लगातार 5 घंटे तक इस सारी कार्रवाई को चलाने में अहम भूमिका निभाई है। मैं धन्यवाद करूंगा भारतवर्ष के इन लखों का मेहनतकशों का, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक और राजस्थान के उन टीलों से लेकर के हिमालय की चोटियों तक बसने वाले सभी लोग जो आप यहाँ एकत्रित हैं, और जिन्होंने ये आदरणीय नेताओं के उस कथन को स्वीकार करके चौधरी देवीलाल जी के संघर्षमय जीवन से प्रेरणा लेकर के इस देश की राजनीति में परिवर्तन लाने का संकल्प लेने के लिए जो आप उपस्थित हुए हैं, मैं आप सब लोगों का आभार इसलिए भी व्यक्त करूंगा। प्रेस के भाई भारी संख्या में बैठे हुए हैं, ये जितने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, ये सब अपने साधनों से आए हैं, पैदल चल करके आए हैं, साइकिलों पे चल करके आए हैं, ट्रैक्टर ट्रालियों में बैठ करके आए हैं, रेलों में बैठ करके आए हैं। इन्हें लाने का काम जिस प्रकार से केंद्र की कांग्रेस पार्टी की सरकार किया करती है,
इस प्रकार का काम नहीं, और ये मेरे कहने की जरूरत नहीं, मैं दावे के साथ एक बात कहने जा रहा हूँ, ये विश्व की विशालतम रैली है। सुनने में आया है कि कभी चीन में माओ ने एक रैली की थी जिसकी संख्या 7 लाख थी, और मुझे याद है सन 1978 में स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के पवित्र जन्म दिवस को जब हमने किसान दिवस के रूप में मनाया था, 25 लाख की संख्या में लोग एकत्रित थे। आज अपना रिकॉर्ड हम स्वयं तोड़ने जा रहे हैं। आज की ये सभा उन दोनों सभाओं से विशाल है और विश्व के इतिहास में एक लामिसाल रैली है। मैं प्रेस के साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि दिल्ली के उस स्टेडियम तक आपको इंसानी सर दिखाई देंगे, दिल फेंकोगे जमीन पे नहीं पड़ेगा। किस अनुशासित ढंग से आज लोग बैठे हुए हैं, मैं इस सब के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं आपसे केवल एक बात कहने चाहूंगा, मेहनत कष्ट कमेरे वर्ग के लोगों से मैं केवल एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आज आपके दाएं और बाएं और आपकी आंख के सामने ये जो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, इन महलों में बैठने वाले लोग हमारी किस्मत का फैसला करते हैं, लेकिन जो लोग इन महलों में बैठते हैं वो हमारे हमदर्द नहीं है, जिन्हें हमारी समस्याओं का ज्ञान नहीं है। और यही एक कारण है किसान के गन्ने के दाम नहीं बढ़े, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, लेकिन चीनी आसमान को छूती जा रही है। किसान के नरमे कपास के दाम नहीं बढ़े, तेलों के बीजों के दाम नहीं बढ़े, तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, घी के दाम बढ़ते जा रहे हैं, कपड़े के दाम बढ़ते जा रहे हैं, मजदूर की मजदूरी नहीं बढ़ी, सीमेंट के दाम बढ़ रहे हैं, इंजन के दाम बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर के दाम बढ़ रहे हैं, मोटरसाइकिल स्कूटर के दाम बढ़ रहे हैं, खाद के दाम बढ़ रहे हैं, कीड़े मार दवाओं के दाम बढ़ रहे हैं, जरूरियात जिंदगी की उन सब चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं जो मशीनों से पैदा होती है, और हर उस चीज के दाम कम होते जा रहे हैं जो हम अपना पसीना बहा करके धरती माँ का सीना चीर करके पैदा करते हैं। इसलिए मैं किसान साथियों से एक अनुरोध करना चाहूंगा, आज की कांग्रेस सरकार का मुखिया राजीव गांधी हर स्तर पर फेल हो चुका है, चाहे वो आर्थिक मामला है, चाहे वो सामाजिक मामला है, चाहे वो राजनीतिक मामला है, चाहे वो देश का आर्थिक मामला है, आंतरिक मामला है, और चाहे वो विदेशी नीति है। आज सारे विदेशी मुल्कों से जो हमारे पड़ोसी हैं, हमारे संबंध अच्छे नहीं है। राजीव गांधी केवल पैसा कमाने पे लगे हुए हैं। हमने प्रजातांत्रिक तरीके से सब प्रयास कर लिए, हमने राजीव गांधी से हर दफा आग्रह करके देख लिया कि देश के हाल पर रहम करिए, सीएजी की रिपोर्ट के बाद उन्हें अपने पद से त्याग पत्र देना चाहिए था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने सबूत के साथ जब इल्जाम लगाए कांग्रेस की सरकार नहीं मानी थी, सीएजी की रिपोर्ट ने मोहर लगाई फिर भी नहीं माने, और के सुंदर जी के बयान के बाद एक पल के लिए भी उन्हें नहीं रहना चाहिए था, लेकिन ये लोग कुर्सी इस तरह से नहीं छोड़ेंगे। इसके लिए आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, चौधरी देवीलाल जी के संघर्षमय जीवन से प्रेरणा लेकर के आज की इस भ्रष्ट और करप्ट सरकार के खिलाफ संघर्ष करने का संकल्प लेकर के जाएं, और जिस प्रकार से महाभारत के लड़ाई को टालने के लिए भगवान कृष्ण के सारे प्रयास विफल हुए थे, और आखिर में जाकर के उन्होंने कहा था दुर्योधन पांडवों को केवल 5 गांव दे दे, और इसके लिए जब कृष्ण गया और दुर्योधन ने कहा सुई की नोक के बराबर भी धरती नहीं मिलेगी, तब भगवान कृष्ण ने कहा था ले अब हम जाते हैं, अंतिम संकल्प सुनाते हैं, या चना नहीं अब रण होगा, जीवन जय जा की मरण होगा, दुर्योधन तू भूषाई होगा, हिंसा का उत्तरदायी होगा। इसलिए मैं आप सबके माध्यम से भारतवर्ष के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी से एक बात कहना चाहूंगा कि आज इस देश के लोगों ने चौधरी देवीलाल के संघर्षमय जीवन से
प्रेरणा हासिल करके संकल्प लिया है, संघर्ष के बलबूते पर सत्ता बदलेंगे, सत्ता का उपभोग करेंगे, मेहनत कश कमेरे वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करेंगे। यही हम सबका संकल्प है और यही चौधरी देवीलाल जी के जीवन की, दीर्घ जीवन की कामना का एक लक्ष्य है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।